टेस्टफुल किचन, आज हम आपके लिए एक यमी सा और फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। यमी के साथ साथ ये हेल्दी भी है, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बिना हम गैस के, बिना अवन के ऐसे ही बनाएंगे, जल्दी से फटाफट बनने वाला। तो ये मैंने लिए हैं रोल्ड ओट्स, ये है पतंजलि के, आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ज्यादा डिजोल्व भी नहीं होते, घुलते भी नहीं और कच्चे भी नहीं रहते। ये मैंने लिया है दूध, एक ग्लास दूध छोटा वाला आप ले सकते हैं। एक आम है जिसमें से मैं थोड़ा सा यूज करने वाली हूँ, ये हमारे पास इलायची केला है, एक छोटा इलायची केला मैं यूज करने वाली हूँ। एक अखरोट की गिरी को मैंने सोक कर लिया था, उसको काट लिया है। सोक्ड आलमंड्स हैं, 6 to 8 आप कर सकते हैं, 6 to 8 ही आप सोक्ड किशमिश ले लें, बादाम के बाद किशमिश ले लें, और ये पिस्ता है। तो सबसे पहले मैंने बादाम को सोक करने के बाद इस टाइप से उसको कट कर लिया है, और ये जब आप खाते हो इनका जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमने इसको कट कर लिया है, आप किसी भी शेप में कैसे भी कितना भी मोटा पतला आप कर सकते हैं, और ऐसे हम इसको कर लेंगे कट। जो बनाना है उसको हम अच्छे से छील के उसके पीसेस कर लेंगे। बहुत जल्दी बनता है और यमी भी है ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको बीच में से ऐसे कट करेंगे और इसके छोटे छोटे पीस हम करेंगे। ऐसे हमने पीसेस कर लिए हैं, अब हम मैंगो को छील लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, जबकि कई बार आपके कमेंट्स अच्छे होते हैं। लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मैं 400 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, तो आपको प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। ऐसे हमने ये निकाल लिया है और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इतना टेस्टी बनता है ये, और इसमें आपको शुगर या हनी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फलों की मिठास है। तो अगर आप फल नहीं डाल रहे हैं, केवल ड्राई फ्रूट से ले रहे हैं, तो फिर आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा नट्स और फ्रूट्स मॉर्निंग में बहुत अच्छे होते हैं। यानी एक मुट्ठी भर कहते हैं ना आप, वो खाइए, मिक्स ड्राई फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए। तो ये हमने इतना पोर्शन मैंगो का ले लिया है। सबसे पहले हमने लिया है ये बाउल जिसमें हमने ऑलरेडी ये डाले हुए हैं, और ये मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून मैंने ओट्स लिए हैं। उसमें हम डालेंगे ये एक छोटा बनाना, एक दो पीस हम गार्निश करने के लिए रखेंगे। ऐसे ही हम ये डाल लेंगे, बादाम डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे और पिस्ता डाल देंगे, बाकी हम गार्निश करने के लिए रखेंगे। और बहुत देखिए कलरफुल भी है, सफेद रंग है, हरा पिस्ते का है, वाइट बनाना है, ब्राउन आपका अखरोट है, तो ये हमने पीला डाला है आम। और मैं यहां आपको बताऊं कि जब भी आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ना, सबके लिए वो टिप है कि आप अगर मिक्स करेंगे सारा इकट्ठा तो वो बहुत खराब हो जाता है। पहले मैं इसमें दूध डाल देती हूं। तो आप क्या कीजिए, मान लिया 3 लोगों का ब्रेकफास्ट आपको बनाना है, तो आप 3 के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स आप भिगो कर रखिए, और जब आप मॉर्निंग में बनाएं तो 3 बाउल साथ साथ रखिए। 5 बादाम उसमें काटिए, 5 उसमें काटिए अखरोट, और फिर 5 बादाम अलग अलग काटिए और 2-2 अखरोट काटिए। ऐसे जो भी आपको डालना है, मतलब वो हर बाउल में डालिए, फिर आप ऐसे ब्रेकफास्ट बनाइए। अब ये देखिए,
एक दो मिनट में ही और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हर बाइट में आपका कितना टेस्टी यमी ये ब्रेकफास्ट आ रहा है। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये ऊपर से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जैसे भी आप सजाना चाहें। मतलब आप किसी को ये ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे ना तो उनको देखते ही मजा आ जाएगा, देखते ही लगेगा कि खाएं। वैसे आप ड्राई फ्रूट्स बच्चों को देंगे ना, नहीं खाएंगे, लेकिन आप ऐसे दें और बच्चे ना खाएं ये हो नहीं सकता। देखिए आपको 12 बजे तक फुल रहेगा, भूख नहीं लगेगी और सारी अच्छी जो आपके अंदर है चीजें हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आम और डाल देते हैं इधर साइड में। आप फ्रूट चीकू भी ले सकते हैं, जो भी फ्रूट हम दूध में खा सकते हैं वो आप फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए भाई, मेरा तो मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी खा लें। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइए जरूर कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।